श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और 7 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही प्रमुख दल सत्ता हासिल करने के लिए सियासी गणित बिठाने में लगी है। राजस्थान में जातिगत समीकरणों पर चुनाव होता है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री गहलोत इस बार जातिगत गणित को साध कर चल रही हैं। गहलोत ने सिख समाज को साधने के लिए बैसाखी के त्यौहार पर खुशखबरी दी है। प्रदेश सरकार ने श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इस बारे में सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। पिडावा से खबर, जहां सरोनिया में युवा संगठन एकता मिशन व अम्बेडकर पाठशाला संयोजक मंडल सरोनिया के द्वारा 14 अप्रैल को बाबा साहब की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि रमेश चंद्र मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष मेघवाल समाज विकास समिति झालावाड़ व राम कुमार भीम आर्मी पुरो जिला प्रभारी झालावाड़ व विक्रम सिंह वर्मा ब्लॉक सचिव पिडावा, वशिष्ठ अतिथि मुकेश महेशपुरा सामाजिक कार्यकर्ता व दिनेश खिरान मेघवाल युवा परिषद प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान आयोजनकर्ता युवा संगठन एकता मिशन सरोनिया के अध्यक्ष हंसराज भारतीय व प्रेमचंद मेघवाल वरिष्ठ सलाहकार व वल्लभ प्रसाद ने बताया कि बाबा साहब की 132वीं जयंती सभी ग्रामवासियों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। पावटा में सीएचसी कट पर बने ट्रैफिक चेक पोस्ट के पुलिस कर्मियों द्वारा राहगीरों व वाहनों को रोड क्रॉस करवाते समय शनिवार सुबह तेज रफ्तार ने सवारियों से भरी जीप को टक्कर मार दी, जिससे सवारियों में भरी जीप आगे खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में 4 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं हादसा NH 48 पर पावटा सीएचसी कट के पास हुआ है। जोधपुर से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने शनिवार को आयोजित हुए एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश को देखते हुए जोधपुर में बेरोजगारी भत्ता महंगाई जैसे मुद्दों पर जिला स्तरीय महापड़ाव शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के कई बड़े भाजपाई नेता भाग लेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधायक सूर्यकांत व्यास, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष परसन चंद मेहता सहित कई विधायक भाग लेंगे। बस्सी से खबर, जहां प्रतापनगर मुख्य बाजार में शुक्रवार रात को श्री श्याम परिवार प्रतापनगर की ओर से श्याम भजन संध्या का आयोजन किया। इस अवसर पर बाबा श्याम के रंगों में बरवाड़ा गरंगा हुआ नजर आया। पूरी रात बाबा श्याम की भजन गाय व कार्यक्रम स्थल पर बाबा श्याम का आकर्षक दरबार भी सजाया गया। कासगंज से खबर, जहां जनपद में बड़े पैमाने पर चल रहे IPL सट्टा पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 सट्टरियों को गिरफ्तार किया। लगभग 4,45,550 रुपए की नकदी, 1 दर्जन मोबाइल, 1 रजिस्टर लैपटॉप सहित भारी मात्रा में सामान बरामद किया, जबकि 5 IPL के मुख्य सट्टा संचालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। जयपुर में 16 अप्रैल को होने जा रही अहीर जन जागृति सम्मेलन को लेकर पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में भारत यादव ने बताया कि अहीर रेजिमेंट हमारी वर्षों पुरानी मांग है। इसको लेकर समाज ने समय समय पर धरने प्रदर्शन भी किए, लेकिन इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला। इसी को लेकर यादव समाज की ओर से अहीर जन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जयपुर के न्यू सांगानेर रोड राव तुलाराम के नाम पर किया जाए और श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया जाए। प्रेस वार्ता में सांवरमल यादव, इंदिरा यादव, डॉक्टर सुनीता यादव, तेजराज यादव, विपिन यादव सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय अहिर महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, अगर हम इसके बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि यादव कौम मार्शल कौम होते हुए भी आज तक हमें अहिर रेजिमेंट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स के सामने अपने आप को झुकने नहीं दिया, अडामंट रहे, इसलिए शायद हमें आज तक नहीं मिली है। लेकिन अब क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है तो ज़रूरी है कि अब हमें रेजिमेंट मिलनी ही चाहिए हर हाल में, और इसीलिए मैं सभी माताओं बहनों को और यूथ को ये अपनी तरफ से बहुत 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 अच्छे से विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जो कि करीब कितनी महिलाएं आने की संभावना है?
लगभग 40% महिलाएं भी आएंगी इसमें, जितने भी हमारी पॉपुलेशन कम्प्लीटली आती है उसमें 40% 30% महिलाएं भी होंगी। और एक हमने एक मांग और रखी है राज्य सरकार से कि 10वीं के पाठ्यक्रम में रिजंगला पर एक अध्याय रखा जाए जिसमें वो पढ़ाया जाए उनको। मुंडावर से अलवर राजस्थान से मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं 16 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीटी ग्राउंड मैदान में पहुंचकर हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ाएं। बोलिए। आजादी के बाद पहली दफा अहीर वीरों के द्वारा एक इतिहास लिखा जाने वाला है, जहां अहीर कौम इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान होने का अधिकार मांगने के लिए एक अहीर जन जागृति सम्मेलन आयोजित करने जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में अहीर वीर यहां पहुंच करके इस राजस्थान की सरकार से और केंद्र की सरकार से अपनी इस राष्ट्र रक्षा में बलिदान के लिए अपना हक की मांग करेंगे। सावल राम यादव शहीद सुनील कुमार का पिता और देहदानी नीमका थाना बीटी ग्राउंड मानसरोवर जयपुर में 10 बजे ये सम्मेलन आरंभ होगा। लगभग 3 लाख लोगों की आने की संभावना है और मौके पर संभावनाएं जहां जहां से मिल रही हैं वहां और अधिक संख्या बढ़ने की अनुमान लगाया जा रहा है। हमने इस देश के तमाम हमारी कौम के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे केंद्र में मंत्री हैं, चाहे प्रदेश में मंत्री हैं, सभी उनको इन्वाइट किया है। इस समाज के सभी कॉरपोरेट्स को इनवाइट किया है, सभी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इनवाइट किया है, और सबसे बड़ी बात है कि इस कौम के गांव-गांव ढाणी-ढाणी में रहने वाले उन वीर अहीर योद्धाओं को याद किया है, उन माताओं बहनों को याद किया है, उन तमाम किसान भाइयों को याद किया है जो आकर के इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाएंगे। जय हिंद जय भारत। भारत यादव अध्यक्ष जिला यादव अहीर महासभा अलवर। सर सभी समाजों की ओर से महापंचायत द्वारा की जा रही है, आपके समाज के द्वारा भी की जा रही है, क्या मुख्य मांगे रहेंगी? मुख्य मांग सावल राम जी ने बताई है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो। इसके साथ साथ राज्य सरकार से भी हमारी मांगे हैं कि एक तो हमारे 23 सितंबर को राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस है, हरियाणा सरकार ने इसका राजकीय अवकाश की घोषणा की हुई है, इसी तर्ज पर हरियाणा की सरकार तर्ज पर राजस्थान सरकार भी इसकी राजकीय अवकाश की घोषणा करे। एक न्यू सांगानेर रोड का मार्ग बदलकर रिजांगला मार्ग के हमारी डिमांड है राज्य सरकार से। अबरोड से खबर, जहां सिरोही जिला अध्यक्ष ओबीसी विभाग के भवनीश बारोट ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के कार्यालय का जयपुर में उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री पुखराज पाराशर ने उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजस्थान